नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास का पाठ चल रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हम आपको MCQ करा रहे हैं। दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट आपको जो है हम संबंधित MCQ कराएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक क्या कहते हैं ज्वाइन नहीं किया, वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़िएगा, हमारे फेसबुक आईडी है, इससे भी जल्दी से जुड़ जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। और जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल में सिलेक्शन मेंटर करके सर्च नहीं किया, वो जल्दी से सर्च कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट के हमारे अपलोड किए जा रहे हैं और आपको बहुत हेल्पफुल आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए होगा। ये हमारे वीरज सर हैं जो हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं, और जैसा कि आप लोग समझते हैं कि UPTET की भी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं, UPPSC की तैयारी कर सकते हैं, UP SSC की भी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो एग्जाम कराती है अपने आयोग उससे संबंधित जितनी भी नौकरियां निकल रही है, वो सारी आप तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब हम लोग दोस्तों चलेंगे आगे, और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, अब ये एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था, ठीक है, कहां प्राप्त किया था। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है बोधगया और चौथा है कुशीनगर। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये चार ऑप्शन में दोस्तों जो सही होगा वो कुशीनगर, कौन सही होगा, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता था। अब आपको बता दे, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है निर्वाण से, निर्वाण का अर्थ होता है मतलब मृत्यु से, मृत्यु का जो शब्द है वो महापरिनिर्वाण से ही संबंधित है, मतलब अपनी जीवन लीला को समाप्त करना। लुम्बिनी शब्द आप लोग देख रहे हैं, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कहां पड़ता है दोस्तों, कपिलवस्तु नेपाल में, वहां इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। पाटलिपुत्र में आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी बौद्ध संगीत, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक ट्रिक है याद रखना, कभी कभी दिक्कत ना हो आपको, रावे पाकू, रा का मतलब राजग्रह, वह का मतलब वैशाली, और पा का मतलब पाटलिपुत्र, और कु का मतलब कुंडलवल। समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। तो पाटलिपुत्र में जो संगीत हुई थी बौद्ध की, वो हुई थी तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में, संपन्न हुई थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में, लैंग्वेज में दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपके पास संस्कृत भाषा, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत भाषा, और चौथा ऑप्शन है अर्धमग्धी भाषा। ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा पाली भाषा। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया था, किस भाषा में, पाली भाषा। प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था महावीर ने, किसने, महावीर ने। और पाली भाषा में किसने दिया था आपको मैं बता दूं, गौतम बुद्ध ने दिया था दोस्तों, किसने दिया था, और इसमें किसने दिया था, महावीर ने।
अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए थे, मतलब जैन साहित्य का विकास हुआ था, का विकास हुआ था दोस्तों, विकास हुआ था। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहां हुई थी? पहला ऑप्शन राजगृह, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन बोधगया और चौथा ऑप्शन लुम्बिनी। तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों, और जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, तो बोध गया। बोध गया, गया बिहार में पड़ता है बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, आपको मालूम है। राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई थी, पहली बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों। पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, समझ गए होंगे। अब बोध गया में क्या हुआ दोस्तों? घटना हुई, ज्ञान प्राप्त हुई, समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, पहला उपदेश। तो पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो पहला उपदेश, पहला ऑप्शन है बोधगया में, दूसरा ऑप्शन है राजगृह में, तीसरा ऑप्शन वैशाली में और चौथा ऑप्शन है सारनाथ। ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो वो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, सारनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कुछ दूरी पर, वाराणसी के पास सारनाथ नामक एक स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध की बैठी मूर्त, एक बैठी प्रतिमा है, जिनके पीछे चक्र चल रहा है, मतलब उनके दिखाया जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासी थे, पांच ब्राह्मण सन्यासी को उन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। फाइव ब्राह्मण सन्यासी थे बोध गया में, आपको मालूम होगा इनको क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुई थी। राजगृह में फर्स्ट बौद्ध सम्मित हुई थी, याद करते चलिए आप सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते रहते, इस तरह बनते रहते हैं। वैशाली, वैशाली, वैशाली किस चीज से संबंधित है दोस्तों? तो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर जो है सेकंड बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, बौद्ध संगीत हुई, याद करते चलिए सभी लोग, याद करते चलिए। तो इस प्रकार आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? वो ब्रज जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान का, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसको किसने कटवा दिया था बाद में? तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, देवगुप्त, प्रसन्नचित, संसांग और खारवेल। देखिए चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन संसांग। संसांग देखिए एक बंगाल का शासक था, बंगाल के गौड़ वंश, बंगाल के गौड़ वंश का शासन था जिसका नाम था संसांग। हर्षवर्धन की कभी आप लोग कहानी पढ़ना, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की बहन
के पति की हत्या की थी और इसी की वजह से इनसे युद्ध जारी रहा। ठीक है, शशांक का संबंध यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि यह बंगाल के गौड़ वंश का शासन था और इसने ही गौतम बुद्ध के पौधे को, जहां पर गौतम बुद्ध का पौधा, वो भी किस चीज का था, पीपल का वृक्ष था, और पीपल के वृक्ष को कटवा दिया और निरंजना नदी, आपसे पूछ सकता है, निरंजना नदी के तट पर फेंकवा दिया। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। खारवेल शासक जो था वो कलिंग का राजा था। खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में पता चलता है, एक हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें हमें खारवेल की कहानी का पता चलता है। और देवगुप्त का नाम आप लोग जानते होंगे, प्रसन्नचित तो ये कौशल नरेश थे। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, त्रिपिटक का अंग नहीं है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुपिटक, तीसरा है विधम्म पिटक और चौथा है जातक। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से बताइए कौन इसमें त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, वो डी नंबर, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। क्या है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी है दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग, पूर्व जन्म की कहानी है दोस्तों। विनय पिटक और सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो ये विनय पिटक है और सुत पिटक है, ये त्रिपिटक, पहला त्रिपिटक के अंतर्गत आएगा विनय पिटक, दूसरा आएगा सुत पिटक, इनकी एक साथ रचना हुई, तीसरा आएगा अभिधम्म पिटक। आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे हमारी बात को बिल्कुल क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही होगी और सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता देना हूं कि ये जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक था, ये प्रथम बौद्ध संगीत में रचना हुई थी दोस्तों। मगर वही जो थर्ड था वो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत में इसकी रचना हुई थी, किसकी, अभिधम्म पिटक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा और हम चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में दोस्तों संपन्न हुआ। तो सबसे पहले आप लोग, 4 ऑप्शन में कालाशोक है, दूसरा अजातशत्रु है, तीसरा कनिष्क है और चौथा अशोक है। सारे ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये जितने 4 हमारी बौद्ध संगीतियां हुई थी, वो 4 बौद्ध संगीतियों में शासन काल के बारे में, शासकों के बारे में, ये 4 ऑप्शन के माध्यम से आप क्लियर कर सकेंगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन सही होगा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था तो वो कालाशोक का समय था। किसका था दोस्तों, कालाशोक का समय था, समझ गए ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ए नंबर। अब हम चलते हैं आपको क्रम से बताते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी दोस्तों, उस समय जो शासन काल था तो फर्स्ट में जो बौद्ध संगीत का शासन काल था तो आप जानते होंगे अजातशत्रु, ये भैया बिंबसार के पुत्र थे, इन्होंने अपने माता पिता की हत्या की थी और गद्दी पे बैठे थे। द्वितीय बौद्ध संगीत, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों
वो कब हुई जल्दी से आप लोग बताते रहिएगा कब हुई थी। तो वो हुई थी काला शोक के समय, काला शोक के समय, काला शोक के समय, समझ गए होंगे आप लोग। तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी, तो तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई दोस्तों, उस समय हमारे यहां अशोक का शासनकाल था, अशोक का शासनकाल था, समझ गए होंगे आप लोग। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, तो वो किसके शासनकाल में हुई? वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। किसके शासन में? कनिष्क के शासनकाल में कंप्लीट हुई थी दोस्तों। अगर हम समय पीरियड को लेकर के चले तो पहला जो समय पीरियड था वो था करीब, आपको बता दे, 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। दूसरा जो था वो 383, मतलब 100 100 वर्षों में संपन्न हो रहा था। जो तीसरा था दोस्तों वो था 250 से करीब, और चौथा जो था वो 98 ईसा पूर्व के करीब, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ये चारों बौद्ध संगीत संपन्न होती है, और शासन काल को लेकर के इसी ऑप्शन से आपके माध्यम से क्लियर होता है। तो ये सेकंड हो गया, ये सेकंड में हुई थी, इनका फर्स्ट हो गया दोस्तों, इनका क्या हो गया, चौथा हो गया, और इनका तीसरा हो गया। तो आप समझ गए होंगे, आप लोग क्रम से भी आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस प्रकार हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण किससे की थी? समझ रहे हैं मेरी बात को? पहला ऑप्शन कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन वृद्धबाहु, तीसरा ऑप्शन सारिपुत्र, और चौथा ऑप्शन अलार कलाम। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन के माध्यम से जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऑप्शन सही होगा इसमें अलार कलाम। जब उन्होंने गृह त्याग की थी तो सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम एक गुरु थे, इन्हीं से मुलाकात की थी, इनसे मुलाकात करके दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इनके गुरु जो थे तो दर्शन और योग की जो शिक्षा ग्रहण की थी, तो इन्होंने अलार कलाम नामक गुरु से ये शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों। सारिपुत्र इनके शिष्य थे, समझ गए। वृद्धबाहु ये जैन धर्म से संबंधित थे दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित थे। कौटिल्य ये मौर्य वंश से संबंधित थे दोस्तों, मौर्य वंश, ठीक है। ये किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 8 नंबर कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? पहला है ज्ञातक वंश, दूसरा है लिच्छवी वंश, तीसरा है कोली वंश, और चौथा है शाक वंश। देखिए ये चार ऑप्शन आपके पास है, बहुत खुश होइएगा आप, क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन से आपके बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी चारों ऑप्शन के माध्यम से, इसलिए हमने चारों ऑप्शनों को बहुत सटीक तरीके से रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि कहते हैं किस गणराज से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में दोस्तों, किस गणराज से संबंधित है? तो चारों ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, शाक गणराज्य से, शाक वंश से। इनके पिता जो थे सुद्धोधन, सुद्धोधन किनके पिता? ये गौतम बुद्ध के पिता थे दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। और ये शाक गणराज्य से संबंधित थे, किससे? शाक गणराज्य से संबंधित थे, समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से। जो कोली वंश है वो कोली वंश का संबंध गौतम बुद्ध की माता से था, गौतम बुद्ध की माता से था, समझ गए। जो लिच्छवी वंश का नाम आप लोग जान रहे हैं, ये महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के माता
लिच्छवी गणराज्य की थी, महावीर का संबंध था। ज्ञातक जो वंश था वो मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञातक वंश से संबंधित थे तो उनके पिता संबंधित थे सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ से संबंधित थे ये महावीर के, महावीर के पिता थे जो ज्ञातक वंश, और ये वज्र में ही पड़ता है दोस्तों, वज्र वंश में ज्ञातक वंश पड़ता है, इसी वंश से ये संबंधित थे सिद्धार्थ जो महावीर के पिता थे। और जो लिच्छवी गणराज है यहां महावीर स्वामी की माता संबंधित थी। तो देखिए ये चारों ऑप्शन से कितना आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा वंश को लेकर के, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं मिलती हैं वो कहां से मिलती है। चार ऑप्शन, तिपटक से, महावस्तु से, दिव्यावदान से और जातक से। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, और चार ऑप्शन के माध्यम से आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाएं दोस्तों हैं, समझ गए होंगे त्रिपिटक में। पहला जैसे बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा पहला है त्रिपिटक, तो पहला है सुत्पिटक, सुत्पिटक। दूसरा कौन सा है दोस्तों, विनयपिटक, विनयपिटक। तीसरा कौन सा है, अभिधम्मपिटक, अभिधम्मपिटक। तो ये तीन आपके पास पिटक है, और जल्दी से बताइए इन तिपटक के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जानते होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि सुत्पिटक में क्या क्या है। तो सुत्पिटक में गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार है, गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार है, धार्मिक विचार है। और विनय पिटक में गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के जो बिछुड़ी थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो बिच्छू और बिछुड़ी थे उनके शासन संबंधित नियम थे, संबंधित नियम थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और जो अभिधम्म पिटक था दोस्तों उसमें क्या था दोस्तों, तो उसमें बुद्ध के क्या थे, उपदेश थे, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था, उपदेशों का संग्रह था, समझ रहे हैं। और क्या था, बुद्ध के उपदेशों का एक तो संग्रह हो गया, दूसरा कौन सा क्या था दोस्तों, बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह था, बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह था, किसमें, अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे दिव्यावदान और महावस्तु, इसमें तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है। जातक में क्या था, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, जन्मों की कहानी है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, किसके शासन काल में, किसके शासन काल किसका था दोस्तों, जल्दी से बताइए, हीनयान और महायान। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें चार ऑप्शन, पहला अशोक के शासन काल में, दूसरा कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, देखिए इसमें सी ऑप्शन कर लीजिए और ये डी ऑप्शन कर लीजिए। तो सी नंबर ऑप्शन में क्या है, अजातशत्रु के शासन काल में, और डी नंबर ऑप्शन में अशोक कालाशोक के शासन काल में, चार ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जो हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म में, कभी भी गलती आप नहीं करेंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैन धर्म बौद्ध धर्म को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि एक जैसा धर्म संबंधित हमें मालूम पड़ता है। तो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। अगर आपसे पूछता है जैन धर्म के संप्रदाय, तो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर थे दोस्तों,
कौन थे? दिगंबर थे, समझ रहे ना, ये जैन धर्म से संबंधित थे। तो चार बौद्ध संगीतियां हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथी। तो प्रथम में किसका शासन काल था, जल्दी से बताइए, अजात शत्रु का। दूसरे में किसका था, कालाशोक का। तीसरे में किसका था, अशोक का। चौथे में किसका था, कनिष्क का। ये चार हैं, चारों बौद्ध संगतियों में शासकों के बारे में जानकारी हमें मिल गई। मगर हीनयान और महायान जो संप्रदाय अलग हुआ वो चौथी बौद्ध संगीत में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीत में किसका शासन काल होगा दोस्तों, तो इसमें होगा कनिष्क का शासन। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कनिष्क के शासन काल में। तो इस प्रकार ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के सबसे नजदीक शिष्य भैया कौन थे जो बहुत इनसे प्रेम रखते थे, इन्हीं के कहने पर क्या कहते हैं कि महिलाओं को संघ में शामिल करने की बात को क्लियर कर लिया था। तो पहला है देवगुप्त, दूसरा है उपाली, तीसरा है सुभद्र और चौथा है आनंद। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो डी नंबर सही होगा, आनंद। ये बहुत इनके करीबी थे, बहुत करीबी थे और सबसे ज्यादा जो स्नेह है गौतम बुद्ध इन्हीं से करते थे, इन्हीं के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था उन्होंने। तो सबसे नजदीकी शिष्य कौन थे, आनंद, जो बहुत प्रेम करते थे गौतम बुद्ध। जो सुबद्ध थे, अंतिम उपदेश अपने शिष्य को दिया था, अंतिम उपदेश इन्होंने अपने शिष्य जिनका नाम था सुभद्र, इन्हीं को दिया था। उपाल भी एक शिष्य थे, इनके शिष्य उपाल भी थे दोस्तों। और देवदत्त तो इनका विरोधी था भैया, किसका विरोधी था, वो था गौतम बुद्ध का, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार हमारे 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आज की सीरीज को हम यही रखते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ डाउट किसी प्रकार को आप लोगों को हो रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आपको, बल्कि तो हमने सारे डिटेल्स के माध्यम से आपको सारे क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए और जो होंगे वो आप लोग बता सकते हैं हमको, ठीक है। तो जल्दी से जिन्होंने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर ले, शेयर करते रहे अपने मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमारे क्लास के बारे में जानकारी मिलती रहे, ठीक है ना। तो बस आज हम लोग यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।